नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में आज विपक्ष के शोर शराबे के बीच उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन विधेयक 2019 पारित। विपक्ष का वॉकआउट, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को किया पुरस्कृत। कहा, बच्चे पेंटिंग से दे रहे हैं पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति प्रेम और आदर्श जीवन का संदेश। वरदान साबित हो रही, केंद्र के सहयोग से संचालित की जा रही वर्चुअल क्लासेस, शिक्षक विहीन विषयों की कराई जा रही पढ़ाई, वर्चुअल क्लास को लेकर छात्रों में उत्साह। और मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, कल से राज्य में बदल सकता है मौसम। मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान। और अब खबरें विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज विपक्ष के शोर शराबे के बीच उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन विधेयक 2019 पारित हो गया। इससे पूर्व भाजपा के महेंद्र भट्ट के प्रस्ताव के बाद विधेयक को नया नाम चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक दिया गया। इस बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और इसके साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पूर्व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा के विस्तार के लिए श्राइन बोर्ड का गठन किया गया है। सदन में श्राइन बोर्ड के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए श्राइन बोर्ड का गठन जरूरी है। उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक पहले ही की तरह ही रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने इस मामले को प्रवर समिति के समक्ष रखे जाने की बात कही। इससे पूर्व THDC को लेकर विपक्ष ने सवाल किए। उपनेता प्रतिपक्ष करण महारा ने सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में THDC को लेकर सवाल खड़े किए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे, जैसे अभी जो यहाँ टिहरी डैम वाला जो उठा है, उसमें जो सरकार के पूर्ण नियंत्रण वाली कंपनी है THDC, उससे हटा के NTPC को सौंपा जा रहा है, जिसमें 54% जो है भागीदारी प्राइवेट फर्म्स की है। तो जो प्राइवेटाइजेशन का एक लावासा इस समय हो रहा है केंद्र सरकार से, वही नीचे की ओर को भी आ रहा है। प्राइवेट लोगों के हाथों में जो अपना पर्सनल जिनका काम धंधा है, जो धन्ना सेठ हैं, उनके हाथों में उत्तराखंड की और पूरे देश की धरोहरों को बेचने का एक जो कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत ये भी हो रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है क्या हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सभी के हितों का ख्याल रखेगी। विपक्ष ने अवगत कराया कि THDC का NTPC में विलय हो गया है। मैंने उत्तर भाषण में कहा कि इस प्रकार का अभी कोई निर्णय भारत सरकार ने नहीं लिया है और ना ही राज्य को इस निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। इतना मैंने जरूर कहा कि ये राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है, ये राज्य सरकार का संकल्प है कि THDC में काम करने वाले हमारे कर्मचारी, काम करने वाले अन्य जो भी लोग हैं वो हों, हमारे यहाँ पुनर्वास की समस्या हो अथवा राज्य के हिस्सेदारी की बात हो, जो हम लोग 12% है इस समय, इसको हम चाहते 25% हो, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। उन्होंने सदन में डेंगू को लेकर विपक्ष के सवालों पर कहा कि सरकार की ओर से डेंगू से निपटने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। पूरे जनपदों में पूरी जांच कराने के बाद लगभग मैंने जैसा अवगत कराया कि मोटा मोटा 10,000 के लगभग ऐसे आंकड़े थे जिनमें डेंगू के लक्षण पाए गए थे और उसमें से जो डेथ हुई वो 8 थी, जिसमें शायद 2 नैनीताल में और 6 देहरादून जनपद में थी। और ये गंभीरता के साथ कहा है सदन में सरकार ने और आंकड़ों के साथ कहा है, और विपक्ष बिना आंकड़ों के यदि कोई बात करता है तो फिर उसको बात करने का कोई फायदा नहीं है। इस बीच सदन में प्रश्नकाल के दौरान जनहित के मुद्दे भी उठाए गए। विधानसभा सत्र के 5वें दिन सदन के पटल पर त्रिवेंद्र रावत सरकार के कार्यकाल की पहली कैग रिपोर्ट पेश की गई। साल 2017-18 को लेकर कैग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में जहां राज्य सरकार की कुछ योजनाओं को सराहा गया है, वहीं राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं।
कांग्रेस ने रिपोर्ट को लेकर सरकार की आलोचना की है। अंतिम दिन में पटल में रखने के पीछे भी उद्देश्य यही था कि इसमें कोई इस तरीके की जो बातें हैं वो छिप जाए, दब जाए। और बहुत ही गंभीर टिप्पणियां हुई हैं, जैसा कि आपने कहा कि 383 करोड़ का राजस्व घाटा 16-17 में था, जो बढ़कर त्रिवेंद्र रावत सरकार में 1978 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया है। अपने आप में साबित करता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई है। यहां तक टिप्पणी हुई है, अगर आप इसको किताब को खोल के देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि अब ऋण को चुकाने के लिए, ऋण का जो ब्याज है उसको चुकाने के लिए भी सरकार को ऋण लेना होगा। कैग रिपोर्ट को लेकर कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि रिपोर्ट का ये तात्पर्य नहीं है कि सरकार ने गलत कार्य किया है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। राजस्व घाटा बढ़ने के अनेक कारण होते हैं। हमने किस प्रकार से कितना राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है, कितने आगे बढ़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप ये निश्चित मानिए हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है उसमें कहीं कोई इस प्रकार राज्य ने बहुत, एक तो हम वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत जितना हमारी लिमिट थी लिमिट को हमने क्रॉस नहीं किया। हमें जिस लिमिट तक जाना चाहिए था उस लिमिट में हम हमेशा रहे हैं, बल्कि उस लिमिट तक भी हम, उस बॉर्डर लाइन पे भी हम नहीं गए, बॉर्डर लाइन से भी हम नीचे ही रहे हैं। विधानसभा में आज राज्यपाल बीबी रानी मौर्य ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के अब तक के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक के बाद विमोचन के विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने अपने इस कार्यकाल के दौरान कई नई पहल शुरू की हैं। पुस्तक में अब तक के विधानसभा सत्रों की कार्यवाही का जिक्र भी किया गया है। पूर्ण सहयोग सबका मिला है, लेकिन ये बात जरूर कह सकता हूँ कि शायद विधानसभा में ये सारे कार्यक्रम एक हम लोग परिवार के नाते हम लोग यहाँ करते हैं, उसमें आप सबका सहयोग मिलता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि लिखन अच्छी आदत है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यों की सराहना भी की। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आज राजभवन प्रांगण में उत्तराखंड बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता 2019 में विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रतिभागी बच्चों की पेंटिंग्स का अवलोकन किया और उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि बच्चे अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, प्रकृति प्रेम और आदर्श जीवन का संदेश दे रहे हैं। ये पेंटिंग्स राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने के लिए भेजी जाएंगी। राज्यपाल ने कहा कि इन पेंटिंग्स के पोस्टर आदि बनाकर कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएं, ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े और समाज को भी अच्छे संदेश मिले। राजभवन में आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 5 से 8 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों ने उधम सिंह नगर जिले से स्वाति कोहली पहले, देहरादून से शगुन दूसरे और अल्मोड़ा से नमन प्रसाद तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं 9 से 12 वर्ष के आयु वर्ग में उधम सिंह नगर की शिवानी ने पहला, पौड़ी से विजय सिंह नेगी ने दूसरा और नैनीताल से साहिबा ने तीसरा स्थान हासिल किया। दिव्यांग वर्ग के तहत 5 से 10 वर्ष के आयु वर्ग में वीरेंद्र प्रथम, वर्षा द्वितीय और अभिनीत तृतीय स्थान पर रहे, जबकि दिव्यांग वर्ग के तहत 11 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में अंकिता पांडे ने प्रथम, प्रिंस ने दूसरा और आकांक्षा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा ने मानवाधिकार संरक्षण के लिए सभी लोगों को जागरूक करने और इसके प्रचार प्रसार का आह्वान किया। साथ ही पुलिस कार्मिकों से मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील रहने की भी अपेक्षा की। आयोग के सचिव अपर्णा पांडे ने सभी कार्मिकों और आमजन से मानवाधिकार संरक्षण के प्रति सजग रहने की अपील की। वहीं आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को मानवाधिकार संरक्षण की शपथ दिलाई। इस दौरान उपस्थित वादियों को मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित पुस्तकों के वितरण के साथ ही प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र भी दिए गए। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड सरकार ने राज्य के दूरदराज के विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेस या ई लर्निंग कक्षाएं शुरू की हैं, जो विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। खासकर उन स्कूलों को इसका लाभ मिल रहा है जहां शिक्षक नहीं हैं। गणित और विज्ञान के अध्यापक नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। पौड़ी जिले के ऐसे 70 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेस लैब स्थापित कर दी गई हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत ने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए वर्चुअल क्लास लैब शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि वर्चुअल क्लास को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह नजर आ रहा है।
जनपद पौड़ी के हमारे जो वर्चुअल क्लासरूम की जो स्टडी है वो 82 विद्यालय चयनित है। इसमें ये वर्ष 2010-11 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के आधार पर ये विद्यालय चयनित हुए थे और हमारे 82 विद्यालयों में से 70 विद्यालयों में ये जो भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है वर्चुअल क्लास रूम ये इंस्टॉल हो चुके हैं। कि विशेषकर ये जो वर्चुअल क्लासरूम है जो हमारे रिमोट एरियाज के विद्यालय हैं जहाँ पर के टीचरों की कमी है वहाँ के लिए तो ये वरदान साबित हुआ है। इन कक्षाओं के माध्यम से बच्चे प्रोजेक्टर के जरिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छात्र पढ़ने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं और काफी खुश भी हैं। वर्चुअल लैब क्लास ये हमारे भारत सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें हमारे स्कूल में 3 साल से मैथ्स का टीचर नहीं है, इसलिए इससे हमें मैथ्स पढ़ा रहे हैं और ये सरकार का एक अच्छा प्रयास है। छात्रों का कहना है कि सरकार की ये अच्छी पहल है। इन कक्षाओं के माध्यम से 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को खासा लाभ मिल रहा है। इसमें उनका पाठ्यक्रम रुचिकर होने के साथ ही पूरा भी हो रहा है। वर्चुअल लैब से बहुत राहत मिल रही है। पिछले 3 साल से GIC कंडारा में मैथ्स के टीचर न होने के कारण हमें गणित में बहुत से आफत आती थी या कठिनाई होती थी। इसके माध्यम से हमें अपना कोर्स पूरा करने में बहुत सरलता हुई है और ICT वर्चुअल लैब का ये बहुत बढ़िया प्रयास है। शिक्षक भी वर्चुअल क्लास शुरू होने से खुश हैं। राजकीय इंटर कॉलेज कंडारा के प्रधानाचार्य मनोज ममगाई का कहना है कि इन कक्षाओं से बच्चों को काफी लाभ हो रहा है। वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना के माध्यम से हमारे विद्यालय में विभिन्न विषयों में जो प्रस्तावित पाठ्यक्रम है वर्चुअल क्लासरूम का उसके अनुसार शिक्षण किया जा रहा है। विशेष रूप से गणित विषय में यहाँ पर विगत लंबे समय से शिक्षक नहीं है, हाई स्कूल स्तर पर और इंटरमीडिएट स्तर पर भी शिक्षक नहीं है। इस कारण विशेष रूप से हाई स्कूल की कक्षाओं में जब से वर्चुअल लैब क्लासरूम से पठन पाठन प्रारंभ हुआ है तो ये एक अच्छा प्रयास है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल से राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान है, जिसके चलते प्रदेश भर में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। बारिश का दौर राजधानी देहरादून से लेकर पहाड़ों तक 12 और 13 दिसंबर को भी जारी रहने का अनुमान है। राजधानी देहरादून में हल्की बारिश का अनुमान है, जबकि पहाड़ों में बर्फबारी हो सकती है। इस बीच प्रदेश में तापमान लगातार गिर रहा है, आने वाले दिनों में ठंड में और हो सकता है। नगर निगम हल्द्वानी को आज बड़ी सौगात मिली है। अमृत योजना के तहत हल्द्वानी के केदवई नगर में 86 लाख रुपए की योजना से पेयजल योजना का मेयर जोगेंद्र रौतेला ने शुभारंभ किया। योजना से शहर के 190 परिवारों को पेयजल मिलेगा। मेयर जोगेंद्र रौतेला ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल देना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शहर के अन्य जगहों पर भी अमृत योजना से पेयजल लाइन बिछाई जाएगी। भारत सरकार व प्रदेश सरकार का एक नारा है हर नल में जल, और इसी के तहत अमृत योजना के द्वारा पेयजल का पुनर्गठन कई जोनों में किया जा रहा है। उनमें से एक जोन किदवई नगर का है और लगभग 78 लाख रुपए की योजना से ये कार्य यहाँ पे किया जा रहा है और जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने पेयजल पुनर्गठन का कार्य किया। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा में आज विपक्ष के शोर शराबे के बीच उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन विधेयक 2019 पारित। विपक्ष का वॉकआउट, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को किया पुरस्कृत। कहा, बच्चे पेंटिंग से दे रहे हैं पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति प्रेम और आदर्श जीवन का संदेश। वरदान साबित हो रही केंद्र के सहयोग से संचालित की जा रही वर्चुअल क्लासेस, शिक्षक विहीन विषयों की कराई जा रही पढ़ाई, वर्चुअल क्लास को लेकर छात्रों में उत्साह। और मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, कल से राज्य में बदल सकता है मौसम, मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का है अनुमान। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।